दोस्तों वैसे तो बीटीएस का कॉन्सर्ट अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल बीटीएस के कॉन्सर्ट को काफी सारी आर्मीज एक्सपीरियंस कर पाई थी जब बीटीएस का कॉन्सर्ट हमारे इंडियन सिनेमा में लॉन्च हुआ था। और रिसेंटली एक ऐसी ही खुशखबरी आर्मीज के सामने आई जब उनको पता चला कि शुगा का जो वर्ल्ड टूर हो रहा है उसका एक कॉन्सर्ट वर्ल्ड वाइड सिनेमास में भी ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ ही वक्त पहले आई थी जहाँ पर पता चला था कि जून 3 को होने वाला कॉन्सर्ट जो कि जापान में होगा वो वर्ल्ड वाइड लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और बहुत ही सारी कंट्रीज के सिनेमास में इसको लॉन्च भी किया जाएगा। तो दोस्तों इंडिया में शुगा के कॉन्सर्ट को आप कहां पर देख सकते हैं, कब देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ये सब कुछ जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को फटाफट से दबा दीजिए। तो आर्मीज आई होप आप सभी भी एक्साइटेड हो गए होंगे इस न्यूज को सुनकर और मैं भी हो गई थी क्योंकि शुगा का कॉन्सर्ट फाइनली इंडिया में आ रहा है जो कि काफी बड़ी बात है और इस बार तो लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, यानी जिस समय कॉन्सर्ट हो रहा होगा उसी समय हमको लाइव देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों आप सभी की तरह मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन अचानक से हम सभी की खुशी पर एक स्टॉपेज लग गया है क्योंकि जहां पर जो साइट है जहां पर कंट्रीज अपलोड होनी थी वहां पर अभी तक इंडिया का नाम नहीं आया है। तो दोस्तों एक साइट है जहां पर हम जाकर देख सकते हैं कि वहां पर कौन कौन से सिनेमा में टिकट्स अवेलेबल हैं और क्या क्या उसका प्राइस है, लेकिन अभी तक उस साइट पर काफी सारी कंट्रीज आ चुकी हैं लेकिन इंडिया नहीं आई है। दोस्तों जैसे कि कोरिया, जापान, हांगकांग, ताइवान, ऐसी बहुत ही सारी कंट्रीज, इटली, पोलैंड, बहुत ही सारी कंट्रीज के नेम साइट पर आ चुके हैं लेकिन अभी तक वहां पर इंडिया नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से इंडियन आर्मीज काफी सैड हो गई हैं। दोस्तों हालांकि अभी भी हम सभी के पास होप है क्योंकि जहां पर कंट्रीज के नेम है वहां पर नीचे से लिखा हुआ है कि जो भी पार्टिसिपेटिंग रीजंस होंगे और ज्यादा उनको ऐड कर दिया जाएगा। तो अभी हो सकता है कि इंडिया ऐड हो जाए क्योंकि अभी जून 3 आने में काफी टाइम है। और दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हो रहा क्योंकि इससे पहले भी जब बीटीएस का कॉन्सर्ट होने वाला था तो इंडिया का नेम काफी देर में आया था और उसमें भी लिखा हुआ था कि मोर कंट्रीज जो की हैं वो ऐड हो जाएंगी। हालांकि इंडियन आर्मीज को ये काफी बुरा लगा कि बीटीएस की लिस्ट में अभी तक इंडिया इतने पीछे चल रही है क्योंकि जहां सभी कंट्रीज के नेम आ चुके हैं इंडिया को हमेशा लास्ट में ही ऐड किया जाता है। इससे पहले भी जब बीटीएस का कॉन्सर्ट आना था और जो एक्सपो वाला कॉन्सर्ट था बुसान वाला उसमें भी इंडिया का नाम बहुत ही लास्ट में आया था, तब भी इंडियन आर्मीज को बहुत बुरा लगा था क्योंकि इंडिया का नाम तो पहले ही आ जाना चाहिए। बट हो सकता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बीटीएस की गलती ना हो क्योंकि इंडिया में ब्रॉडकास्ट करने के लिए उनको परमिशन भी चाहिए जो कि हो सकता है इंडिया से ही उनको देर से मिलती हो। लेकिन जो भी हो काफी सारी उम्मीद है कि शुगा का ये कॉन्सर्ट इंडिया में हो सकता है। तो मुझे जरूर बताइए कि आप सभी एक्साइटेड हैं या फिर नहीं शुगा का सोलो कॉन्सर्ट ज्वाइन करने के लिए, और अगर ये कॉन्सर्ट इंडिया में होगा तो आप सभी इसको देखने जाओगे या फिर नहीं। साथ ही साथ कमेंट्स में मुझे ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।